अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ी सी खांसी हो रखी है जिसकी वजह से बहुत परेशान हो रही हूँ। तो जी, आज हम बनाने लगे हैं चिकन चंगेज़ी, और मैं आपको देने लगी हूँ चिकन चंगेज़ी की रेसिपी। तो ये मैंने ले लिया है 1 kg चिकन। इसको आप अच्छे से वॉश कर लेंगे, और अच्छे से वॉश करने के बाद इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच भर के दही। और दही अच्छे, मतलब बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, ठीक हो, बहुत मीठा भी नहीं खट्टा भी नहीं, उस तरह से। और उसके बाद हम इसमें डाल लेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें, बिकॉज़ हमें खाना बनाते बनाते इतना तजुर्बा तो हो ही जाता है कि एक्चुअली नमक कितना जाएगा सालन में। बिल्कुल कभी कम, अगर कम हो तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, बट आप बहुत ज़्यादा भर के ना डालें, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाता है ना, उसको कम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें मैं डाल रही हूँ ये 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच रेड चिली पाउडर। तो आप मतलब मिर्च भी आप अपने अकॉर्डिंग रख लें, जैसे आप खाते हैं या फिर आपके घर में सब लोग खाते हैं। अगर तेज़ खाते हैं थोड़ी आप ज़्यादा डाल लें, अगर अगर नॉर्मल खाते हैं तो आप मतलब कम डाल लें। और मैं यहाँ पर लूँगी, मैं एक बहुत जूसी मैंने लेमन लिया है, तो एक मैं लेमन ले लूँगी। लेमन का जूस मैं इसमें स्क्वीज़ कर लूँगी पूरा अच्छे से ना। जूसी लेमन था अच्छा, और बड़ा लेमन था तो उसका अच्छा खासा जूस निकला था। और ये चीज़ें मैं सारी एक जगह इसमें डाल के ना इसको बहुत अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। मामा तो जी, आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद ना, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे 1-2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो फिर आप इसको आधा घंटे मैरिनेट होने के लिए रख दें। और जब आप इसको आधा घंटा जी मुझे हो गया रखे हुए, तो हम क्या करेंगे, एक कोई भी मतलब फ्राइंग पैन लेंगे, या फिर आपके पास कढ़ाई, जो भी बर्तन आपके पास अवेलेबल हो जिसमें आपका ये चिकन आ जाए, तो उसमें आप मतलब बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे। ऐसे आप 2-3 स्पून करके ना, टेबल स्पून आप इसमें ऑयल डाल लेंगे। मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी क्वांटिटी ना, बहुत ज़्यादा आपको नहीं डालना है, कम ही डालना है, बिकॉज़ हमें अभी ना दूसरे तरीके से भी इसको पकाना है, तो उसमें भी हमें ऑयल की ज़रूरत होगी। तो आप पहले इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दें, उसके बाद ना आप इसमें एक एक पीस करके मतलब इसको चिकन को डालेंगे। पूरा एक साथ नहीं डालिएगा, एक एक पीस करके इसमें रखिएगा आराम से ना ऑयल में, और सही से ध्यान से रखिएगा, क्योंकि हम गर्म तेल में जब चिकन वगैरह कोई भी चीज़ डालते हैं ना, वो चटकता है तेल बहुत ज़्यादा। तो अब मैंने जब डाला ना, तो मेरे हाथ से एकदम से छींटे आ गई थी। तो आप बहुत ध्यान से करिएगा, या तो फिर मतलब चिमटे वगैरह से आप कर लें, या हाथ से आप करें तो केयरफुल होके करें। उसके बाद हम इसको लिड लगा देंगे थोड़ी देर के लिए, और उसको ना 10-15 मिनट के लिए हमें रखना है। और इसको हमें फुल नहीं पकाना है, इसको हमें 50% इसमें पकाना है, और 50% हमें जो ना बाद में कुक करना है बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ। ओके, अब हम ये दूसरा भगोना ले लेंगे, और उसमें हमने ऑयल डाला है अपने मुताबिक, जैसे जितना आपको बेटर लगता है आप उस हिसाब से अपना ऑयल ले लें। अगर आप कम खाते हैं तो कम डालें, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डालें, बट इतना ज़रूर हो कि आप जब आप कोई चीज़ कुक कर रहे हैं ना, तो उसमें ऑयल थोड़ा ऊपर आता है ना, तो देखने में भी अच्छा लगता है सालन में ना, तो इसलिए फिर आप अपने हिसाब से डाल लें। उसके बाद फिर मैंने ये 2 मीडियम साइज़ प्याज लिए हैं, और इसके अंदर मैंने 10-12 काजू लिए हैं, और ऑयल गरम करने के बाद मैंने प्याज को इसमें डाल लिया है। और प्याज को आप बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनेंगे बहुत देर तक, बस इसको आपको लाइट ब्राउन करना है, या फिर थोड़ा सा ये वाइटिश ही रखें इसको, आपको 5-7 मिनट तक इसको भूनना है। बहुत ज़्यादा आपको डार्क ब्राउन या फिर गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। तो आप इस हालत में इसको निकाल लेंगे। उसके बाद जो हमने चिकन मैरिनेट किया था, और उसको हमने जो डाला था, तो आप उसको चेक कर लेंगे वो किस कंडीशन में पहुँचे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो ना पूरा कुक नहीं करना है, मैं आधा कुक करना है, 50% में कुक करना है, तो आप इसको खोल के पका लें। अगर इसमें पानी ज़्यादा, दही की वजह से पानी ज़्यादा हो जाता है, तो खोल के आप इसको पका लें। और मैंने जो ऑयल में से प्याज निकाल ली थी, प्याज निकालने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, बिकॉज़ हमने जब मैरिनेट किया था चिकन को, हमने उसमें भी लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था ना, इस वजह से भी हम 1 ही स्पून डालेंगे।
और ये मैंने दो बड़े साइज़ के टोमेटो थे मेरे पास, अगर आपके पास मीडियम साइज़ हैं तो फिर आप तीन टमाटर ले लें, बट मेरे पास बड़े टमाटर थे दो, तो मैंने फिर दो टमाटर ले लिए थे। ठीक है, तो इससे ना टेस्ट तो अच्छा होगा ही, और क्या बोलते हैं ग्रेवी भी हमारी बहुत अच्छी बन जाती है। एक चम्मच मैंने डाला है इसमें चाट मसाला, और एक चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी फिर हाँ माजरत मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसमें मैं डाल रही हूँ एक चम्मच धनिया पाउडर यानी कोरिएंडर पाउडर, और इसके अंदर मैं डाल दूँगी फिर एक चम्मच भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। अगर आपके पास भुना हुआ ज़ीरा पाउडर नहीं है तो फिर आप ना गरम मसाला पाउडर भी डाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने ये तीनों चीज़ें इसमें डाल के फिर मैं इसको अच्छे से चला लूँगी, और चला बहुत ज़्यादा बहुत देर तक नहीं चलाना, उसके पास 5-7 मिनट 2-4 मिनट तक आप इसको चलाते रहें, उसके बाद ये ऑयल छोड़ता रहेगा, जैसे ना मसाला आप इसको भूनते रहेंगे ऑयल छोड़ता रहेगा। गैस आप बहुत ज़्यादा फुल नहीं रखें और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं रखें, आप मीडियम रखें गैस को ना, मीडियम गैस में पकाते रहें। और जो हमारे पास मैरिनेट किया था मैं चिकन, उसका जो हमारा मैरिनेट बचा था, तो रिमेनिंग मैरिनेट भी हम इसके अंदर यहाँ पर इस कंडीशन में आके इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें वो जो मैरिनेट हमारे पास बचा था वो हमें उसी में नहीं डालना था, बल्कि हमें उसे रख लेना था उठा कर, वो फिर हम इसमें मसाले में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कर लिया मैरिनेट भी इसमें मिक्स, और मैरिनेट मिक्स करने के बाद जो आपको याद है मैंने प्याज और काजू जो मैंने फ्राई किए थे, तो वो प्याज और काजू मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसमें वो मैंने ग्राइंड कर लिए थे मिक्सी में, और ये आप यहाँ पर इसको इस कंडीशन में आके मिक्स कर लेंगे। ठीक है, जो हमारा जार में लगा रह गया थोड़ा सा, उसमें आप थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधा कप या उससे और थोड़ा कम, और उसको भी आप उसके पानी को भी इसी में डालेंगे, बिकॉज जार में भी अच्छा खासा लगा रह जाता है कोई भी हम चीज़ ग्राइंड करते हैं। तो आप इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हमारे जो चिकन की कंडीशन है इस तरह की आ गई है, आप चेक करें कि ये पूरा मतलब आधा कुक भी हो गया, और इसका जो ऑयल था वो भी रिलीज़ होने लगा है इसके अंदर से। तो आप इस कंडीशन में आके ना अपने गैस को अपने फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, और उसके बाद बस हम इसको सही से साफ़ करके जो इसमें लगा हुआ है हमारे कढ़ाई वगैरह में ना, उसको हम साफ़ कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से। और उसके बाद ना हम क्या करें, उसको जो मसाला हमने बनाया था उसमें तैयार कर देंगे। वो क्लिप लेना मैं भूल गई, क्लिप मेरे से निकल गई पता नहीं चला, बट मैंने वो जो चिकन था ना वो मैंने मसाले में डाल दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया कसूरी मेथी, और आपको आप इसे ड्राई रोस्ट करेंगे तवे पर ना, कोई ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालना, बस ड्राई रोस्ट करना, उससे हमारा जो इन्हेंस होगा टेस्ट भी इन्हेंस होगा, और उसकी खुशबू भी हमारी बहुत अच्छी आ जाती है। तो यहाँ पर मैंने मेथी डाल दी है, और मेथी के बाद मैं इसको मतलब चलाऊंगी थोड़ा सा, और चलाने के बाद मैं इसमें चिकन भी ऐड कर दूंगी जो हमारा बराबर में कढ़ाई में रखा हुआ है। आप देख रहे हो यहाँ पर ना, जब मैं कैमरा लगाती हूँ भगोने के पास ना बिल्कुल, तो जो उसकी स्टीम निकलती है ना वो कैमरे पे जाके लगती है, तो इस वजह से थोड़ा धुंधलापन आपको नज़र आ रहा होगा। और इसमें मैं चलाने के बाद ना थोड़ा सा इसमें दूध डाल दूँगी, दूध से क्या होगा कि इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा इन्हेंस हो जाएगा। प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसमें थोड़ा इन्हेंस हो जाएगा हमारा टेस्ट। और अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइट लग रहा है ना अपना सालन, तो फिर उससे क्या होगा ना, वो तो उससे थोड़ा सा पतला भी हो जाएगा। तो क्योंकि हमें पकाने में भी अभी हम 5-7 मिनट इसको पकाएंगे, तो फिर उसके लिए भी हमें चाहिए ना, क्योंकि पकने के बाद क्या होता है ना गाढ़ा हो जाता है सालन, तो अभी हमें 5-10 मिनट इसको पकाना भी था। बिल्कुल स्लो गैस पर आप इसको पकाएंगे, ठीक है, गैस को आप तेज़ नहीं करेंगे, फुल गैस पे नहीं पकाना, बिल्कुल फुल स्लो गैस पे आपको इसको पकाना है। आप 10 मिनट के लिए इसका लिड लगा के रख देंगे और आप इसको पकने देंगे। ठीक है, पकने के बाद हमारा सालन पहुँच जाता है कुछ इस कंडीशन में, आप चेक करें, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा। मेरे पास हरा धनिया नहीं था, वरना मैं इसको हरा धनिया और हरी मिर्च से गार्निश करती। मैंने हरी मिर्च को बीच में से इसके दो टुकड़े कर लिए, लंबे लंबे चीर लिया इसको, और मैंने सिर्फ हरी मिर्च से इसको गार्निश किया, बिकॉज मेरे पास नहीं था हरा धनिया। और यहाँ पर बस मैं सारा निकालने लगी हूँ प्लेट में, और मैं अली को निकाल रही थी ना, अली को बस, अली को बहुत माशाल्लाह से बहुत शौक है चिकन खाने का, तो बस बनाती मैंने उसको निकाला था, तो मुझे अली मेरे पास में ही खड़ा था, कह रहा था मम्मा नहीं मुझे ये वाली बोटी भी नहीं चाहिए, ये वाली भी नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं बार बार बोटी चेंज कर रही थी कि ये वाली भी नहीं वो वाली भी नहीं। ठीक है, तो आप इस तरह से बनाइएगा और खाइएगा, और मुझे बताइएगा कैसा लगा, और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।